Hello dear student, this is Anshuman sir, your physics teacher, and today here I am going to discuss a very important day which is celebrated today, that is the International Day of Light. So dear student, to increase the awareness about the light, how the light discovered and what is the history of light and how the light is important for us, this day is celebrated by the UNESCO, that is the United Nations Educational Scientific Research Organization. It is the organ of the United Nations which celebrate this day of the 16th of May as a International Day of Light. Dear student, I am just recalling that the year 2015 is celebrated as the International Year of Light to aware the importance of light, because light is a too necessary thing for us, because light, with the help of light we can see all the object around us. So why this day is celebrated? So dear student, this day is celebrated due to discovery of laser by the Theodore Maiman. Theodore Maiman is a scientist who discovered the laser. You know, you oftenly use the laser light. So laser is the acronym of the, that is light amplification and stimulated radiation, right? So later, laser is a light amplification and stimulated radiation. So on the 16th of May in 1960, laser is discovered by, that is Theodore Maiman, right? So to remember this important discovery which changed the world, and in this era we use laser in the different perspective. So this day is dedicated to that scientist, and also to aware the different discoveries and different way to tribute the scientist who involved in this discovery of light and history of light. Okay, so dear student, I hope you understand what I'm saying to you. So I am just adding a animated video with this introductory video, so that you know how the light is developed and what is the meaning behind that. So I hope this is useful for you and you will enjoy. Thank you so much. आज हम ऐसे सात वैज्ञानिकों की याद ताजा करते हैं जिन्होंने दुनिया भी बदली और प्रकाश के बारे में हमारी समझ भी. 11वीं सदी के वैज्ञानिक इब्न अल हैथम को राजा ने आदेश दिया कि नील नदी में बार बार आने वाली बाढ़ का बंदोबस्त कर दो. पर जल्द ही इब्न अल हैथम की समझ में आ गया कि ये काम असंभव है. फांसी चढ़ने से उन्होंने बेहतर समझा पागलपन का ढोंग करना. अगले 11 साल तक उन्हें नजरबंद रखा गया. अल हैथम को तकलीफ तो उठानी पड़ी, पर इन्हीं 11 सालों ने उन्हें फुर्सत भी दी. इसी दौरान उन्होंने किताब अल मनाजिर नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम चीजों को देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है. इससे पहले तो अभी तक उल्टा ही माना जाता था कि रोशनी हमारी आंखों से निकलती है और जब वो चीजों पर गिरती है चीजें दिखाई देने लगती हैं। अल हैथम के 800 साल बाद ऑगस्टिन जो फ्रेनल ने हमारी आंखें और भी खोल दी. प्रकाश तरंगों की तरह आगे बढ़ता है, और इस बारे में शोध करते करते उन्होंने एक लेंस बनाया जिसे अब उन्हीं के नाम पर फ्रेनेल लेंस कहते हैं. फ्रेनेल लेंस रोशनी को कोहरे में बहुत दूर दूर तक पहुंचाने में मदद करता है. जहाजों को किनारे की जमीन और चट्टानों से बचाने में यह बहुत काम आया. रोशनी एक तरंग के रूप में होती है, यह सिद्धांत बताने के कारण फ्रेनेल वैज्ञानिकों में तो मशहूर हुए, पर साथ ही जहाजों के कप्तानों के बीच उन्होंने बहुत सम्मान पाया. बचपन में पढ़ाई में पीछे रहने वाला यह बच्चा, जो उम्र के 8वें साल तक पढ़ नहीं पाता था, वही आज रोशनी के तरंग सिद्धांत का पिता माना जाता है. फ्रेनेल ने प्रकाश के सिद्धांतों की नींव तो डाली, फिर भी प्रकाश का सही रूप क्या है यह बात तो रहस्य ही रही. लेकिन फिर जेम्स मैक्सवेल ने बिजली और चुंबक के बीच का संबंध खोज निकाला. उन्होंने यह साबित किया कि विद्युत यानी बिजली की तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों इकट्ठा मिलकर प्रकाश बनाती हैं. प्रकृति में पाई जाने वाली बिजली और चुंबक जैसी दो अलग अलग शक्तियां या बल
एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं ये दुनिया में पहली बार मैक्सवेल ने दिखाया। हमारे अगले हीरो अल्बर्ट आइंस्टाइन पर मैक्सवेल का भारी प्रभाव रहा। आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत बताया जिससे मानो हमारे हाथों में सभी तालों की चाबी आ गई। आपके सामने अगर कोई बड़ी चीज है तो उसके पीछे दूर रखी छोटी चीज नजर नहीं आती, लेकिन अगर आकाशगंगा की बात करें तो वह एक बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल वाली एक वस्तु से बहुत दूर रहकर भी विपरीत दिशा से देखी जा सकती है। मानो कि यह आकाशगंगा इस बड़ी वस्तु के चारों ओर एक छल्ला बना रही हो। पर ऐसा क्यों है? आइंस्टाइन ने हमें बताया कि अंतरिक्ष एक खाली शून्य स्थान या निर्वात नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे मोड़ा जा सकता है, इसीलिए अंतरिक्ष में मुड़ी हुई इस जगह से गुजरता हुआ प्रकाश भी मुड़ता है। इसलिए बड़ी वस्तु के पीछे से आता हुआ प्रकाश इसके चारों ओर फैल जाता है और दूर स्थित आकाशगंगा ऐसे दिखती है जैसे इसके चारों ओर एक छल्ला बना रही हो। आइंस्टाइन ने प्रकाश के विषय का हमारा ज्ञान दूर दूर तक पहुंचाया और जल्द ही आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने दूर अंतरिक्ष से आने वाली आवाजें सुनी, और वो भी घरेलू माइक्रोवेव मशीन के सहारे। पेंजियस और विल्सन वो आवाजें सुन रहे थे जो तब से गूंज रही हैं जब से विश्व के निर्माण के समय विस्फोट या बिग बैंग हुआ। पहले वो समझे कि ये आवाजें शायद कबूतरों द्वारा एंटेना पर की गई गंदगी की वजह से आ रही होंगी, लेकिन गंदगी साफ करने पर भी वो आवाजें आती रही और इन्हीं के द्वारा विश्व के निर्माण का रहस्य समझने में मदद हुई। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रोशनी के इस रास्ते में हमारे आखिरी हीरो हैं चार्ल्स काउ। 1960 के करीब सभी इंजीनियरों का मानना था कि टेलीफोन या संवाद के लिए कांच एक उपयोगी माध्यम यानी काम की चीज नहीं है, लेकिन चार्ल्स काउ और जॉर्ज हॉकम का यह विश्वास था कि कांच तांबे से कहीं ज्यादा बढ़कर इस काम आएगा। उन्होंने यह पाया कि कांच के शुद्ध रेशों के अगर बंडल बनाए जाएं, तो वो सूचना को बहुत बड़े पैमाने पर दूर और जल्दी से पहुंचा सकते हैं, वो भी रोशनी के सहारे। जी हाँ, काओ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं की वजह से हम मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने में एक पल में संपर्क कर सकते हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने प्रकाश के विषय में इतिहास रचा है।